तो वो निश्चित रूप से मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ। बेसिकली में सीट बहुत ज़्यादा खाली है और सीट बहुत ज़्यादा खाली होने के बावजूद भी आप केवल 14,000 सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे रहे हैं, ये किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। बच्चे अगर शिक्षा विभाग जाते हैं शिक्षा विभाग जाते हैं तो वहाँ कहा जाता है कि आप कटोरा लेके चले आए। अरे भैया स्टूडेंट है, रात भर दिन कह रहे हैं कि शिक्षा विभाग में जब कटोरा लेके चलाया, देखता नहीं है कटोरा लेके चलाया, तो बच्चों के साथ खिलवाड़ करना बंद हो। माननीय अतुल प्रसाद सर आपकी इज्जत हम लोग करते हैं, माननीय के पाठक सर आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन बच्चों के हित के साथ अगर खिलवाड़ होगी तो हिंसात्मक रूप से जान देने में परहेज नहीं करेगा गुरु रहमान। अब गुरु रहमान ने कमर कस ली है कि चाहे जो कुछ हो अब हम बच्चों के लिए कुछ भी करेंगे, चाहे जो कमर कस ली है कि अब मैं जो भी करना होगा करूंगा, मरूंगा, लड़ूंगा, लेकिन बच्चों के लिए इंसाफ फर्जीवाड़े पकड़ा रहे हैं, आपको मालूम होगा। फर्जीवाड़े पकड़वा रहे थे, अरे भैया ओवर एज वाला काम कर रही, ओवर एज हो गया है, फर्जीवाड़े पकड़वा रहे थे, कहां गया आपका सिस्टम, कहां गया? कभी कहते हैं बीपीएसएससी के अध्यक्ष महोदय शर्म भी नहीं आती है कि जैमर लगा था, क्वेश्चन बाहर चलाता है, और ये कहते हैं कि सब जांच के बाद होता है और उसके बाद भी फर्जीवाड़े पकड़वा रहे हैं। शर्म किया जाए थोड़ा सा और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न किया जाए, क्योंकि जो आदमी को मौत से डर लगना खत्म हो जाता है वो आदमी किसी हद तक जा सकता है, और गुरु रहमान अब मौत से नहीं डरता है। मैंने निश्चय किया है कि बच्चों के लिए जिया था, अब बच्चों के लिए मर के भी दिखा देंगे, लेकिन बच्चों के साथ इंसाफ थोड़ा गलत है। कम दिए आप भैया, सीट खाली था उसी को सप्लीमेंट्री दे रहे, अरे सीट भर के सप्लीमेंट्री दिए तब न माना जाए, और जितना सीट खाली है उतना सीट भी आपने सीट बचा के फिर सप्लीमेंट्री जारी कर, फिर सप्लीमेंट्री जारी किया, फिर इसमें बचा के फिर 3.0 में कर देंगे, तो ये बच्चों के हित के साथ नहीं है। बिहार की बेरोजगारी को दूर करना होगा तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मंत्री को इसमें हस्तक्षेप करना होगा, और अतुल प्रसाद सर चाहे के पाठक सर चाहे कोई भी अधिकारी हो उन पर अंकुश लगाने की जरूरत है, और छात्रों के हित के लिए कुछ